श्री सद्गुरवे नमः। दुनिया में बहुत प्रकार की बेड़ियाँ जंजीरें होती हैं, उनमें से सबसे अधिक शक्तिशाली सबसे अधिक मजबूत बेड़ी कौन सी होती है, इस संबंध में आइए पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के प्रवचन से एक अंश सुनते हैं। किसी समय जयपुर की रियासत में जयपुर राजा के यहाँ एक पहलवान आया और वह कहने लग गया कि आप मुझको किसी से भी लड़ा सकते हैं। राजा के जो पहलवान थे वे लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, देख के ही तगड़ा लगता होगा। तब उन्होंने अपने राज्य में ऐलान कर दिया कि इससे जो लड़ेगा उसे 1,00,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। जो लड़ेगा जीतेगा नहीं, जो लड़ भी लेगा उसे 1,00,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। किसी ने साहस नहीं किया। उनके जेल में एक आदमी था, उसको जब मालूम हुआ तो उसने खबर करवाई कि जाकर कहो राजा से मैं लड़ूंगा। राजा से कहा गया। राजा आया, पूछा कि लड़ोगे? कहा हाँ लड़ूंगा और उसको पछाड़ूंगा। कहा अच्छा। हथकड़ी बेड़ी दोनों लगी हुई थी, उसको खोलने की चाबी नहीं मिल रही थी। राजा कहने लग गया कि चाबी नहीं मिलती है तो बुलाओ काटने वाले लोहार को। उसने कहा कि लोहार को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे हाथ झटक दिया, हथकड़ी टूट गई, पैर झटक दिया, बेड़ी टूट गई। देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लग गया कि जब तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है तो तुम जेल में क्यों पड़े हुए हो? उसने कहा कि जेल से तो मैं कभी भी निकल सकता था, मैं निकल जाऊंगा, लेकिन मेरी माँ है, स्त्री है, बच्चे हैं, सब पामाल हो जाएंगे, इसीलिए इसमें पड़ा हुआ हूँ। तब राजा कहने लग गया कि लोहे की बेड़ी से, हथकड़ी से मोह की बेड़ी जबरदस्त है। अफसोस, लोहे की बेड़ी हथकड़ी तोड़ी जा सकती है, लेकिन मोह की बेड़ी को तोड़ना बड़ा कठिन है। संसार में प्रायः लोग इसी मोह के बंधन में बंधे हुए हैं। परिवार का मोह है, धन संपत्ति का मोह है, मान बड़ाई का मोह है, इन तमाम मोहों के अंदर लोग बंधे हुए हैं। बंधन दुखदाई होता है। एक फकीर ने कहा है, संबंध लाखों व्यक्तियों से यदि करेगा तू सदा, तो कर्म लाखों भांति का करता रहेगा सर्वदा। कैसे बता उस शांत अविचल तत्व को तू पाएगा, जिसे लाखों बिच्छू डसें कैसे भला सो पाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।